हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ रायपुर में स्थित महादेव घाट। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, चलिए आपको दिखाते हैं महादेव घाट का नजारा। तो दोस्तों ये देखिए, अब महादेव घाट 2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो इसी रास्ते से हम लोग अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको महादेव घाट का नज़ारा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग महादेव घाट पहुंच चुके हैं, तो चलिए और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे देखने लायक जगह। इधर पीछे में हमारा पार्किंग है, गाड़ी वाड़ी लगा लिए हैं, तो और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो दोस्तों ये है खारू नदी और यहाँ पे साइड में घाट बना हुआ है जिसे महादेव घाट बोलते हैं, और ये एक बड़ा सा झूला यहाँ पे लगा हुआ है जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, और लोग इसके ऊपर जाकर सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे हैं, फिर हम लोग भी जाएंगे। और दोस्तों नदी के उस पार एक पार्क है, तो चलिए झूले के माध्यम से हम उस पार जाते हैं और पार्क का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद वापस आएंगे और नाव की सैर करेंगे, और नाव की सैर की वीडियो भी आपको आगे मिलेंगे, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों चलिए अब झूले के माध्यम से हम लोग उस पार पार्क की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको पार्क का व्यू, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। चलिए आपको पार्क दिखाते हैं और पहले तो झूला दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग झूले के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहां से सूर्यास्त का व्यू बहुत ही सुंदर अलौकिक नजर आ रहा है। हम लोग शाम के टाइम यहां पे आए हुए हैं और शाम के टाइम सूर्यास्त भी हो रहा है, और झूले से यहां का नज़ारा जो है वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। और चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है, अभी आपको पार्क भी दिखाना बाकी है, तो चलिए आगे चलते हैं आपको पार्क दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पार्क में पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर आकर्षक केंद्र बनाए गए हैं, तो चलिए और आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं पार्क का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, शंख कितना सुंदर नज़र आ रहा है, और ये देखिए कैलाश गुफा जैसा बनाया हुआ है, तो हम लोग भी कैलाश गुफा में इंटर हो रहे हैं। गुफा में इंटर हुए और अब गुफा से बाहर भी निकल गए। ये देखिए कैसी मूर्तियां बनी हुई हैं यहाँ पे, तो चलिए और आगे चलते हैं और पार्क में दिखाते हैं आपको और क्या क्या है। तो दोस्तों इधर में आप देख पा रहे होंगे कि निगम गेट है, वापसी में इधर से ही निकलना होगा हम लोगों को, तो अभी चलते हैं, फिलहाल पहले पार्क घूमते हैं उसके बाद निकलने का सोचेंगे, अभी तो फिलहाल पार्क का एंजॉय लेते हैं। तो चलिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको आकर्षक व्यू दिखाते हैं यहाँ का। ये देखिए सामने में एक गुंबद जैसा दिख रहा है, तो चलिए नजदीक से जाके दिखाते हैं।
तो दोस्तों ऊपर में एक कैंटीन है, तो चलिए आपको कैंटीन दिखाते हैं। यहाँ ऊपर के कैंटीन से आसपास का नज़ारा कैसा दिखता है वो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर कैंटीन में। तो ये देखिए यहाँ का कैंटीन कितना सुंदर है, और यहाँ से बैठ के चाय पीने का नज़ारा ही कुछ अलग है। यहाँ पे बैठ के चाय, ठंड के दिनों में सूप पी सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग गार्डन घूम रहे हैं अभी, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप महादेव घाट आते हैं तो गार्डन अवश्य घूमिएगा। दोस्तों चलिए अब नाव की सवारी करते हैं, और नाव से कैसा व्यू यहाँ का नजर आता है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग नाव के ऊपर बैठ चुके हैं और अभी हम नाव का सवारी ले रहे हैं, और आप हमारे पीछे झूला देख पा रहे होंगे। झूला के साइड से हम लोग घूम रहे हैं नाव में, और ये है नौका भैया जो हमें सैर करा रहे हैं। हमने बहुत मजा आया, जैसा कि आप वीडियो में देख पाए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे का नजारा आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद घर चलेंगे। तो दोस्तों शाम का कुछ इस प्रकार से व्यू है यहाँ पे, इधर मेला वगैरह लगा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम रूम पर पहुंच चुके हैं, और बहुत ज्यादा ठंड भी लग रहा है, लेकिन सोचा कि पहले ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, उसके बाद कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे और उसके बाद स्वेटर वाटर पहनेंगे। तो देखिए दोस्तों इतनी ठंड में भी मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ 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 दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आज मैंने आपको महादेव घाट का नज़ारा दिखाने की कोशिश की, तो ये नज़ारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार, जानदार और धमाकेदार वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तो चैनल शुरू हुआ है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक और नए धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक आप खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।